दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग अर्थात महाभारत के काल में ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। आज जब हम कलयुग में रहते हुए उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जिनमें यह बातें आज भी लिखी है, तो आश्चर्य भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में दो चरित्र वाले व्यक्तियों के बारे में माता पिता और संतान के संबंध के विषय में, साधु महात्माओं और पंडितों के विषय में और भगवान की भक्ति तथा उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से उसी समय बता दिया था। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन पांच कलयुग बेबाक सत्य के बारे में बात करेंगे। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस शिक्षा को अपने आचरण में लाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बेबाक सत्य के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। एक बार की बात है, पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई और वह श्री कृष्ण के पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गए। पांडवों ने कृष्ण से कहा, हे भगवान, द्वापर युग का अंत निकट है और हमारे मन में भविष्य को लेकर एक जिज्ञासा है, कृपा करके हमारी जिज्ञासा शांत करें। हम सब यह जानना चाहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जीवन कैसा होगा। पांडवों के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आखिर आप लोगों को भविष्य के बारे में जानने की लालसा क्यों है। इस पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि भगवान निर्दोष और पाप रहित होते हुए भी जिस प्रकार हमारी दुर्दशा हुई है, आपने इसका कारण कलयुग का प्रभाव ही बताया था। वह कलयुग जो अभी आया भी नहीं है, उसका प्रभाव कितना हानिकारक है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। इसलिए हमारे मन में जिज्ञासा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, उस समय मनुष्य जाति का क्या होगा। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने पांडवों को वन जाने को कहा और निर्देश दिया कि वन में भ्रमण करते समय जो कुछ भी दिखे उस पर ध्यान देना और वापस आकर मुझे बताना। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों पांडव वन में चले जाते हैं और भ्रमण करने के बाद वापस श्री कृष्ण के पास जब आते हैं तो एक एक करके उन्होंने जो देखा था वह विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बात शुरू की। युधिष्ठिर जी ने कहा, उन्होंने एक हाथी को देखा जिसके दो सूंड थे। सामान्यतः द्वापर काल के हाथियों में भी एक ही सूंड हुआ करते थे, दो सूंड का क्या रहस्य था, यह युधिष्ठिर जानना चाहते थे। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपने जो देखा इसे मैं कलयुग के परिपेक्ष में बताता हूँ। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दो तरफ से मानव जाति का शोषण करेंगे। वे मानव जाति के हितैषी बनकर भी शोषण करेंगे और शत्रु बनकर के भी शोषण ही करेंगे। ऐसे लोगों के मन में होगा कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे इसके ठीक विपरीत। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही लोगों का वर्चस्व होगा और सामान्य व्यक्ति इनके द्वारा शोषण का शिकार होगा। युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा का समाधान होने के बाद महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, वन में मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को प्यार से जीभ से चाट रही थी, लेकिन जिस जगह वह चाट रही थी, चाटते चाटते बच्चे को घाव हो गया और वहां से रक्त निकलने लगा। श्री कृष्ण ने भीम के उत्तर में कहा, यह कलयुग के उस प्रभाव को दिखाता है जब मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त हो जाएगा कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। हर मनुष्य साधु को सम्मान देंगे, उनके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अपना पुत्र साधु बनने की ओर अग्रसर हो तो हर संभव प्रयास करके उसको सांसारिक जीवन में लिप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो माता पिता को बहुत दुख होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया में, परिवार में ही बांधकर रखने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
कि पुत्र को पत्नियों की अमानत समझना चाहिए और पुत्रियों को पिता की अमानत। इस शरीर को मृत्यु की अमानत और आत्मा को परमात्मा की अमानत समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, वन में मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे और वह एक मृत जीव का मांस खा रहा था। इस बात का कलयुग से क्या संबंध है? अर्जुन की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें किताबी ज्ञान तो होगा लेकिन उनके अंदर मानवीय गुणों का अभाव होगा। ऐसे लोगों की मंशा यही होगी कि वह दूसरों की संपत्ति को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना सकें। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा उससे बड़ी ही रहेगी। पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा होगा, वास्तविक संत तो केवल चंद ही होंगे। अर्जुन की जिज्ञासा शांत होने के बाद नकुल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वन में उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान को ऊंचाई से गिरते देखा। चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसके मार्ग में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को उसने जड़ से उखाड़ दिया, परंतु एक जगह वह एक ऐसे पौधे से टकराकर रुक गई जो बहुत छोटा था, जिसकी उस चट्टान द्वारा कुचले जाने की पूरी उम्मीद थी। नकुल जी की बात के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भीड़ होगी, मनुष्य जाति का जीवन पतित होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। परंतु जिस प्रकार एक छोटा पेड़ इतनी बड़ी चट्टान को गिरने से रोक लेता है, ठीक उसी प्रकार हरि नाम में इतनी शक्ति होगी कि वह मनुष्य के पतन को रोक ले। भागवत गीता में भी इसी बात का उल्लेख मिलता है, हरि कीर्तन से न केवल मनुष्य का पतन रुकता है बल्कि मनुष्य की बुद्धि भी प्रबल होती है। और अंत में सहदेव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, उन्होंने एक जगह पर कई कुएं देखा, सारे कुओं में पानी था, किंतु उनके बीच में एक कुआं ऐसा भी था जो सबसे बड़ा था और गहरा भी था, लेकिन इसके बावजूद उसमें पानी नहीं था। सामान्यता ऐसा होना असंभव है। आथ हे कृष्ण, इस बात से कलयुग के विषय में क्या पता चलता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए उत्सव में, पुत्री के विवाह में इत्यादि अनावश्यक चीजों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, किंतु किसी भूखे को भोजन कराने, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मांस मदिरा का सेवन इत्यादि वसन में धन खर्च किया जाएगा। ऐसे लोग बाहर से प्रतीत होते हैं कि वे संपन्न हैं, किंतु जिस प्रकार बाहरी संपन्नता में आंतरिक शांति लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्यों की आंतरिक गति शून्य हो जाती है। ऐसे लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं, जैसा कि वह बीच वाला कुआं गहरा होता हुआ भी जल विहीन था। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए यह पांच कलयुग के प्रभाव आज के समय में पूर्णता सच होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।